नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। कर्नाटक में कांग्रेस की एक विधायक ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा योजना की शुरुआत के अवसर पर महिलाओं को प्रेरित करने के लिए बस चलाई। कोलार गोल्ड फील्ड्स की विधायक रूपकला एम शशिधर ने वाहन के टक्कर मारने की खबरों को झूठा और अफवाह करार दिया है। विधायक ने रिपोर्ट में कहा, बस किसी व्यक्ति या वाहन से नहीं टकराई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक के पीछे काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और राज्य का एक वर्दीधारी बस ड्राइवर उन्हें बता रहा है कि वाहन को कैसे चलाना है। ड्राइवर को गियर बदलने में विधायक की मदद करते देखा जा सकता है। विधायक ने कहा कि उन्होंने ड्राइवर की उपस्थिति में करीब 2 मिनट तक गाड़ी चलाई। कांग्रेस विधायक ने करीब 100 मीटर तक बस चलाई। बस के आसपास करीब 1000 लोग मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस नेता का दावा है कि वह गाड़ी चलाना जानती हैं, लेकिन उनके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है, जो कि एक उल्लंघन है। कर्नाटक सरकार ने रविवार को शक्ति योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना शुरू की है।